बहुत से मुसलमान खास तौर पर बरेसगीर में मुहर्रम उल हराम में शादी नहीं करते। मुहर्रम उल हराम का एहतराम करने की तो समझ आती है, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि सफर के महीने में भी शादियां नहीं रखनी चाहिए। क्या वाकई माह सफर की भी कोई हुर्मत है? शादी, निकाह और तलाक, ये दो काम ऐसे हैं जिनके लिए न कोई वक्त मुकर्रर है, न तारीख, न दिन, न महीना। जब करो मुनक्कद हो जाते, सही, जब निकाह करो निकाह हो जाता है, जब तलाक दो तलाक हो जाती। बिल्कुल सही है, क्या कोई मुहर्रम में तलाक दे नहीं होती? बिल्कुल होती है। तो फिर तो निकाह मुहर्रम में करे तो निकाह क्यों नहीं नहीं, होता? सही है, सफर में कोई तलाक दे तो नहीं होती? होती है तो फिर निकाह क्यों नहीं होता? सही, ये मैल रसूमात हैं जो हमने हिंदुओं के साथ मिलकर बरे सगीर में बहुत सी रसूमात हमने हिंदुओं की अपना ली हैं, उन्हें हमने इस्लामाइज कर लिया, उन पर सब्ज रंग लगा कर। और बड़ा पक्का कर लिया है। मतलब और हम अगर किसी से कोई मैंने बात पहले करेंगे अर्ज तो किया ना फिर कि रसम के लिए कोई सनद भी नहीं सनद मांगता भी नहीं है, कोई मांगता। रसम सही बताओ उस बात, पे शुरू हो जाती है। सच्ची बात करो, सही मदद कहते हैं, ये नई बात है। हाँ इस्लाम से हम इतने दूर जा चुके हैं कि कोई शरी कायदा बताओ तो कहते हैं ये नई बात अब जैसे मुझे यकीन है जिस तरह हजे अकबर के हवाले से लोगों ने है। कहा कि नई बात लोग है, कहेंगे ये नई आज बात जो है, बात आप फरमा रहे हैं इसके हवाले से भी लोग जरूर ये नई कहेंगे कि बात नई है। बात है, मुहर्रम में कई भला कैसी शादी हो निकाह सकती। और तलाक जब करे हो जाता, बिल्कुल सही, उसकी शराइत चाहिए वो मना करो।